पंजाब कांग्रेस ने 4 मंत्रियों और कई विधायकों की बगावत के बाद खींचतान चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मुहिम में जुटे 3 कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंजाब कांग्रेस के महासचिव प्रगट सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डट गए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ताकत दिखाई है। कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी द्वारा दिए गए डिनर में 9 मंत्री समेत करीब 58 विधायक और 8 सांसद पहुंचे। मंत्री सोढ़ी की ओर से ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने दावा किया कि डिनर में 58 विधायक मंत्री और 8 सांसद शामिल हुए। सबने विश्वास जताया कि 2022 में कांग्रेस कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस डिनर का आयोजन में 4 कैबिनेट मंत्री और करीब 2 दर्जन विधायकों की मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत के बीच किया गया। कैप्टन का विरोध करने वाले 4 मंत्रियों से 3 अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डट गए हैं। वे आलाकमान से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। वहीं कैप्टन ने अपने समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में विधायकों व सांसदों को जुटाकर न सिर्फ विरोधियों बल्कि पार्टी हाईकमान को भी अपनी ताकत दिखाई है। अहम बात यह भी है कि इस डिनर में कुलदीप वैद्य, सुखजीत सिंह लोहगढ़, कुशलदीप ढिल्लो समेत कई ऐसे विधायक भी शामिल हुए जो कैप्टन के खिलाफ हुई बैठक में शामिल थे। वहीं कैप्टन के विरोध में झंडा बुलंद करने वाले मंत्री और विधायक वीरवार को निजी वाहन से दिल्ली गए और किसी निजी स्थान पर ही रुके हैं। एक तरफ कैप्टन की ओर से डिनर का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी, उसी समय कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने निजी थर्मल प्लांटों से हुए समझौतों को रद्द करने का मुद्दा उठाया। सिद्धू ने अपने ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह की 3 अलग अलग वीडियो की क्लिप शेयर कर 3 रुपए यूनिट घरेलू बिजली और 5 रुपए यूनिट इंडस्ट्री को बिजली का मुद्दा उठाया। वहीं सिद्धू ने लिखा कि निजी थर्मल प्लांटों के साथ हुए समझौते रद्द किए जाएं।